हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ एक एक्रेलिक पेंटिंग। कॉफ़ी मग्स जो है बहुत ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं जो बिगनर्स होते हैं वो, तो ये जो पेंटिंग है ये बिगनर्स के लिए ही है ट्यूटोरियल। तो अगर आप बिगनर हैं और एक्रेलिक पेंटिंग करना पसंद करते हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइज़ बताऊंगी। ये वाला यहाँ पर मैंने कैनवस बोर्ड लिया है और कैनवस बोर्ड का जो साइज़ है वो 10x12 है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक रफ स्केच यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पर दो मग्स रखे हैं मैंने मेरे सामने कॉफ़ी के और उसी को देखकर मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राइंग कर लेती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर पेंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, पेंट्स जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वो एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करेंगे। एक्रेलिक पेंट्स आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं घर पर वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर पेंट निकालेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर निकाला है और साथ में मैंने लिया है बर्न सियाना। ये दो शेड्स मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए लिया है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क रखना चाह रही थी और साथ में मुझे एक कन्फ्यूजन ये भी आया था कि मैं डायरेक्टली इसको ब्लैक कैनवस पर बना लेती हूँ, तो एक वो भी ऑप्शन था मेरे पास, बट फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं, जो बैकग्राउंड है उसी को यहाँ पर डार्क कर लेंगे। तो ब्लैक कैनवस का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया मैंने। बाकी इस पेंटिंग को हम ब्लैक कैनवस बोर्ड पर भी आराम से बना सकते हैं, बस आपको ऊपर से ड्रॉ करना रहेगा, फिर आपको बैकग्राउंड यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं दोनों को मिक्स करते हुए, बर्न सियाना एंड ब्लैक को मिक्स करते हुए यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लगा लेती हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए मैंने जो ब्रश यहाँ यूज़ करा है वो है 12 नंबर का एंगुलर ब्रश। तो जितना भी ब्रॉड ब्रश रहता है बैकग्राउंड के लिए उतना ही ज़्यादा हमको कन्वीनियंट रहता है जब हम बैकग्राउंड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ईजी रखते हुए पेंटिंग को बैकग्राउंड लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो मेरे साथ साथ इस पेंटिंग को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और अगर आप दिखाना चाहते हैं मुझे अपना वर्क तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और वहां पर आप जब मुझे टैग करेंगे तो मैं आपका जो वर्क है वो देख पाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो शुरू की लेयर्स में जब हम काम करते हैं तो थोड़ा वाटर ज़्यादा रख लेना चाहिए जिससे लगाने में आसानी रहे बिगनर्स को, क्योंकि मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादातर बहुत सारा पेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आप ऐसा करें, बहुत ज़्यादा पेंट यूज़ नहीं करना है हमको, आप थोड़ा सा वाटर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे यहाँ पर तो आपको देखना आसानी रहेगी। अगर आपने अभी तक ये वाला टिप फॉलो नहीं करके देखा है तो डेफिनेटली इस वाले टिप को आप अप्लाई करके देखिएगा पेंटिंग पे, आपकी पेंटिंग्स और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड लगा लिया है, थोड़ा सा मैं बर्न सियाना ले रही हूँ साथ में और ब्लैक भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हम अच्छे से लगा लेंगे बैकग्राउंड। और अब हम यहाँ पर जो हमारे मग्स हैं उनको पेंट करना स्टार्ट करते हैं। मग्स के अंदर जो शेड आएगा वो आएगा, देखिए 3 कलर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एक हमने लिया है वाइट कलर जो कि सबसे ज़्यादा बेस कलर है, तो यहाँ पर जो हम वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं वो है आइवरी वाइट, है ना, सॉरी वो मैंने यहाँ पर लिया है टाइटेनियम वाइट। ओके, और ब्लैक जो मैंने लिया है वो आइवरी ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 3 कलर की बात करी जैसा कि आप लोगों से, तो एक साथ में मैंने जो ऐड किया है ब्लू का शेड ऐड किया है और वो मैंने यहाँ पर पर्शियन ब्लू ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने फिल्बर्ट ब्रश ले लिया है, फिल्बर्ट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पर जो है मिडिल में जो ब्लेंडिंग है वो कर रही हूँ मग्स की। ठीक है, कॉर्नर के लिए यहाँ पर मैंने नंबर 8 का ब्रश चॉइस किया है। अगर आपका भी ब्रश जैसे बड़े नंबर पर आप चॉइस करते हो काम करना तो आपका टिप अच्छा होना चाहिए ब्रश का, है ना, तो टिप एक बार चेक कर लो। अगर आपका टिप अच्छा है ब्रश का तो आप फिर अपना जो पेंटिंग है उसके अंदर आप बड़े नंबर के ब्रश के साथ भी काम कर सकते हो। इसका जो मिडिल पार्ट है या फ्रंट पार्ट बोल लीजिए मग का, इसके अंदर मैं फिल्बर्ट ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ जिससे यहाँ पर हम आराम से फ्लैट सरफेस के ऊपर ब्लेंडिंग कर सकें। अगर आपके पास फिल्बर्ट ब्रश नहीं है आप फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, फ्लैट ब्रश भी बहुत आराम से हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाइट ले रहे हैं, साथ में हमने शुरुआत की लेयर्स के लिए पर्शियन ब्लू चॉइस किया है। ठीक है, तो ये कुछ कलर्स मैंने लिए हैं। कप का शेप यहाँ पर, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लगाया ना ऊपर से, तो कप का शेप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर अगर सपोज करो हम यूज़ करते हैं ब्लैक कैनवस तो फिर हमको ऊपर से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमको इस तरह का छोटा मोटा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पर डार्कर टोन्स के लिए हम जो है ब्लू का ही टोन बढ़ा देंगे और फिर हम उससे ही शेडोज लगा देंगे। तो शुरुआत के लेयर्स में जो हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे केवल वाइट और पोशन ब्लू के साथ साथ, और बाद में हम इसके अंदर फिर ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं जल्दी से शेडोज के लिए डार्क कलर, और जो हाइलाइट्स हैं उसके लिए हम लाइटर टोन अप्लाई करेंगे। तो कॉफ़ी का जो अंदर का पार्ट है उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर बर्न सियाना यूज़ कर रहे हैं, और साथ में डार्कर टोन्स को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर बर्न सियाना के साथ ब्लैक मिक्स करते हुए अप्लाई कर दूँगी। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉफ़ी ऊपर से दिखाएंगे उसके बेस के लिए हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी मैं राउंड ब्रश ही यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और इसको हम दोनों ही शेड्स को अलग दिखाते हुए अप्लाई कर देते हैं। पर जो बबल्स का इफेक्ट है उसको देने के लिए मैंने व्हाइट यूज करा है, और राउंड ब्रश की हेल्प से ही मैं यहाँ पर व्हाइट के इफेक्ट से यहाँ पर बबल्स बना दूंगी। अब यहाँ पर हम इसके अंदर से जो धुआं निकलता है उसका इफेक्ट देंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्लैट ब्रश यूज करा है, और उसको मैं हल्का सा ऊपर ले जाते हुए ड्राई ब्रश थोड़ा सा करेंगे। हमें यहाँ पर वाटर यूज नहीं करना है, और उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर जो ऊपर जाता हुआ हल्का सा स्टीम बोल लीजिए आप उसको, है ना, वो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो पेंटिंग है हमारी पूरी कंप्लीट होने को आई अब, और ये बस यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल फाइनल टचअप्स दे देती हूँ, थोड़ा सा व्हाइट यहाँ पर इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं व्हाइट के, और बिल्कुल बहुत ही सुंदर बनी है यहाँ पर पेंटिंग। मुझे ध्यान है जब मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा बिगनर थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कॉफ़ी के जो मग्स हैं उनकी पेंटिंग करूं, और मुझे बहुत पसंद आता था। तो ये एक्चुअली रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप में से किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो इसीलिए मैंने ये वाली जो पेंटिंग है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए बनकर रेडी हो गई है।
आप देखिए आप बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। डार्क बैकग्राउंड के साथ जब हम लाइट कलर के मग्स प्लेस करते हैं तो बहुत ही सुंदर इफेक्ट आता है। तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और फिर मुझे आप दिखाइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइए। चैनल को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। तो इसी तरह के अगर आप और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं और पेंटिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है मेरे पास, मैं यहाँ पर अवेलेबल कराती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं पेंटिंग में तो यहाँ पर आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप दबा सकते हैं बेल नोटिफिकेशन, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपलोड हमको मिलते रहें। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।